नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर एक और नए और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फसल चाहे कोई भी हो, उसका मैक्सिमम उत्पादन इस फैक्टर पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि आपने वैरायटी कौन सी सिलेक्ट की है। और आज के इस वीडियो में गेहूं की उन्नत और हाइब्रिड किस्म स्टार एग्रीसीड्स की स्टार 325 के बारे में फुल रिव्यू करेंगे। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है और क्या इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब इसके जो किसान हैं जिन्होंने पिछले सालों इस वैरायटी को लगाया था, उनका क्या कहना है इस वैरायटी के बारे में, उनके क्या अनुभव है, डिटेल में शेयर करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल पर अब भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अनगिनत जानकारियाँ हम चैनल पर लगातार डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस वैरायटी की क्या खासियत है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वैरायटी की अवधि की, तो 120 से 130 दिन में स्टार 325 परिपक्व हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कितनी सिंचाई की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, तो 4 से 5 सिंचाई की रिक्वायरमेंट पूरी फसल के दौरान होती है। इसकी सीड रेट की अगर बात करें तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट लगती है, और एक एकड़ में 40 किलो सीड 6 इंच की रो टू रो डिस्टेंस पर आपको बुआई करनी चाहिए, सिंगल डायरेक्शन में तो बेस्ट रहता है, ऐसा कंपनी कहती है। गेहूँ उगने के बाद में नंबर ऑफ टिलर्स की बात करें, कल्लों की संख्या की बात करें, तो 17-18 कल्ले तक इस वैरायटी में निकलते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त चीज़ है इस वैरायटी की। इसके साथ ही रूट्स के विकास की बात करें तो रूट्स भी ज़बरदस्त विकास करती है, जिसके कारण इसमें गिरने वाली समस्या नहीं आती। और इसका एक और कारण ये भी है कि इस वैरायटी की जो हाइट जाती है वो मैक्सिमम 95 सेंटीमीटर तक जाती है। फिट में अगर बात करें 3 फीट की एवरेज हाइट इस वैरायटी से जाती है, इस कारण से गिरने वाली समस्या इस फसल में नहीं आती है, जो कि गेहूं की कॉमन समस्या है। दानों की संख्या की बात करें तो 80 से 90 दाने प्रति बाली निकल जाते हैं। इसके अलावा इसके दाने मोटे और आकर्षक दाने इसके होते हैं, खाने के लिए उपयुक्त है, रोटियाँ बनाकर खाने के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है ये। इसके साथ ही रोगों के प्रति कितनी सहनशील है इस बारे में बात करते हैं, तो सबसे अहम समस्या है पीला रतुआ, येलो रस्ट जो है वो गेहूं की प्रमुख समस्या है, जिसके प्रति ये वैरायटी रेजिस्टेंट है। साथ में पाले का प्रभाव भी इस वैरायटी पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कंपनी बताती है। क्या वास्तव में ये वैरायटी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाती है, इसके लिए हम बात करते हैं इस वैरायटी के किसान से। नमस्कार, एक शॉर्ट परिचय दे दीजिए आपका। मेरा नाम चंपल वाके, ग्राम शिवपुरा से हूँ। आप किन किन फसलों की खेती करते हैं साल भर में? सोयाबीन, गेहूँ, चने, मूंग, इन फसलों की खेती आप करते हैं। गेहूँ की अगर किस्मों की बात करें तो कौन कौन सी किस्में आप लगाते हैं? पहले तो मैं 322, हाँ हाँ, 273, हाँ, श्रीराम 11, इनको ट्राई किया, लेकिन पिछली बार मैंने स्टार 325 लगाया। स्टार 325 आपने लास्ट ईयर ही, मतलब पिछले बार एक ही बार इसको ट्राई की है। तो इस वैरायटी के प्रैक्टिकल अनुभव बताइए कि ये वैरायटी सबसे पहले तो कितने दिन में परिपक्व हुई थी? ये वैरायटी पिछली बार 125 दिन लगभग में, 125 दिन के लगभग हो जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में आपने लगाया थे? मीडियम है, मतलब ज़्यादा हल्की भी है, काली भी है, मतलब मिक्स में थोड़ी है, वो मध्यम काली मिट्टी टाइप की। तो इस मिट्टी में आपको कितनी सिंचाई देने की ज़रूरत लगी थी इस वैरायटी में? जी मैंने तो 5 सिंचाई की थी इसमें। 5 सिंचाई दी थी। आपको क्या लगता है 5 सिंचाई इसमें ज़रूरी है प्रैक्टिकली, या फिर क्योंकि कंपनी तो बोलती है कि 4 से 6 सिंचाई तक भी दे सकते हैं? हमारे पास व्यवस्था 5 सिंचाई, तो हमने 5 सिंचाई की है, लेकिन हो सकता है 4 में भी आ जाती शायद है कि इच्छा हमारे आगे पीछे थी, लेकिन हमने 5 पानी दिए, फिर व्यवस्था थी तो मतलब 4 पानी में भी हाँ, आ सकती हाँ, है ये वैरायटी। और क्या प्रोडक्शन इस वैरायटी से निकाला है आपने? इसका 28-28.5 क्विंटल लगभग प्रति एकड़ का था। बहुत बढ़िया उत्पादन इससे आपने 5 पानी में लिया है। और इसके अलावा रोगों के प्रति ये वैरायटी कितनी सहनशील है इसके बारे में बताएं। पीला रतुआ वाली समस्या इसमें आई क्या, येलो रस्ट वाली समस्या इसमें आई क्या? देखो, कोई समस्या नहीं इसमें नहीं आई। इसके पहले जो मैं गेहूँ बताता पिछले सालों में, उनमें मैंने
जड़ माहू की समस्या ज्यादा देखी थी। हाँ, समस्या इसमें नहीं आई मेरे को, वो इसमें आपको नहीं देखी है। पहले दो स्प्रे करना पड़ता था मेरे को। कितने एरिया में आपने ये लगाई थी ये वैरायटी? ये 4 एकड़ में। 4 एकड़ में लगाई थी। और ये सीड जो आपको कंपनी से मिलता है, ये उपचारित मिलता है, सीड ट्रीटमेंट किया हुआ मिलता है या फिर आपने किया है? उपचारित मिलता है। उपचारित मिलता है। तो आप इस वैरायटी को इस साल की अगर बात करें 2023 की, तो इसमें भी लगाना चाहेंगे क्या? जी लगाना ही है ना। बिल्कुल लगाएंगे। यही चीज़ें जानने के लिए हमने आपसे संपर्क किया, क्योंकि आपने वैरायटी लगाई थी, तो प्रैक्टिकल अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी इसके बारे में, वैरायटी के बारे में बहुत बोलती है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल अनुभव है? ये तो हर किसान को बोलना चाह रहा हूँ कि ट्राई करें, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, जितना में से किसान को 5 एकड़ में करना चाहिए, छोटे किसान को 2 एकड़ में ट्राई करना चाहिए इसको। तो दोस्तों, ये तो स्टार 325 गेहूँ के बारे में आपने जाना। आगे आने वाले सीजन में, जो कि रबी सीजन है, इसमें और भी वीडियोस आपको प्रैक्टिकली भी ये वैरायटी देखने को मिलेगी हमारे यहाँ पर। इस वैरायटी को लेकर सीड खरीदना है या फिर कोई और भी आप गेहूं के बारे में चीजें जानना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पर संपर्क करके आप जान सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।